You're most welcome in my YouTube channel, News Talk Cinema FTC. भाई भाई भाई, आमने सामने प्रतिद्वंदिता चलने वाली है, तो भाई हम बात करेंगे हिंदी फिल्म मैदान के बारे में। और बता दे कि भाई मैदान फिल्म से भी एक फिल्म टकराने वाली है। उससे पहले मैं बताऊं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए अगर नए हैं तो, नहीं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम बात करते हैं मैदान फिल्म के बारे में, थोड़ी सी जानकारियां ले लेते हैं। तो क्या हमारे बोनी कपूर जी को पता नहीं है कि खेल से जुड़ी तमाम फिल्में आ चुकी हैं, चक दे इंडिया, गोल और बहुत सारी फिल्में हैं। क्या ये भी फिल्म उसी तरह जाएगी या नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये फिल्म ईद के दिन ही रिलीज हो रही है। और बता दें कि इस साल ईद के दिन भी अक्षय कुमार की फिल्म, जिसे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें टाइगर श्रॉफ भी नजर आ रहे हैं। फिल्म का नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। भाई बड़े मियाँ और छोटे मियाँ एक बात हम बात करेंगे, चूंकि उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। और भाई इसलिए मैंने बोला कि ये साल अजय देवगन को काफ़ी टकराने वाली है, क्योंकि क्योंकि 15 अगस्त के दिन ये रिलीज होने वाली उनकी फिल्म सिंघम अगेन के सामने खड़ी है एक नहीं बल्कि दो दो फिल्म। और दोनों फिल्मों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, पुष्पा पुष्पा झुकेगा नहीं। अब भाई देखना है कि अजय देवगन की फिल्म कितनी कमाल कर जाती है मैदान, क्योंकि भाई हमारे यहाँ तो शुरू से बचपन में सिखाया गया है कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो भाई भाई भाई, क्या फिल्म एक बार फिर से फुटबॉल का क्रेज लोगों पे चढ़ा पाएगा, नहीं चढ़ा पाएगा तो वक्त की बात है, क्योंकि भाई जब तक सिस्टम खेल के प्रति झुकाव ना दिखाए तो हमें तो नहीं लगता कि भाई कोई फिल्म किसी को उतना उत्प्रेरित कर सकता है, चूंकि वो भी आज के मॉडर्न युग में, क्योंकि 80% युवा हमारे जो हैं बच्चे हैं इंस्टाग्राम पे रील्स, फेसबुक पे रील्स बनाना ही सिर्फ पसंद करते हैं। अब उनसे बोला जाए कि फुटबॉल खेलो तो भाई 100 में से अगर दो बच्चे तैयार भी हो जाते तो सबसे पहले दिक्कत आती है फील्ड की। अब भाई मैं जिस जगह पर रहता हूँ वहाँ पे तो बच्चों के लिए फील्ड ही नहीं है, तो क्या फुटबॉल खेलेंगे, कहाँ से फिल्म से प्रेरित होंगे। तो भाई फिल्म किसी चीज का फ्यूचर नहीं बना सकता है, और खासतौर से भाई हिंदी फिल्मों में बायोपिक का कोई वैल्यू नहीं रहता। जितनी भी बायोपिक फिल्में आती हैं उसमें से 80% फिल्में पिट जाती हैं, लेकिन फिर भी अजय देवगन को ऊपर दाव लगाया बोनी कपूर ने और उनका बखूबी स्टार दिया संगीत के जुड़ाव से A.R. रहमान जी ने। अब भाई बता दे, फिल्म मैदान फुटबॉल पे आधारित है और उसमें दिखाया गया है कैसे कैसे भारत की टीम तैयार होती है, वर्ल्ड कप खेलने जाती है, ओलंपिक खेल, एशिया गेम, माफ कीजिए एशिया गेम, क्योंकि भारत अभी तक कोई मतलब वर्ल्ड फीफा नहीं खेला है। तो भाई एशिया गेम कैसे 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 तैयार होता है भाई, बखूबी नोक झोंक भाई देखना तो पड़ेगा फिल्म को। भाई जब तक फिल्म देखेंगे तब तक कंसेप्ट समझेंगे नहीं। भाई इतिहास पे थोड़ी सी आधारित फिल्म है तो भाई हम तो यही कहेंगे कि आप लोग जाइए इतने दिन स्ट्रीम का बखूबी लुत्फ उठाइए, लेकिन 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 अगर आप एक्शन फिल्मों के दीवाने हैं तो आपके मैदान के ठीक सामने खड़ी रहेगी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। तो भाई आपको डिसाइड करना है, अगर आपको भारत के इतिहास के बारे में जानना है तो आपको मैदान देखेंगे, अगर आप एक्शन देखना पसंद करते तो भाई बड़े मियाँ छोटे मियाँ आपके लिए सेकेंड ऑप्शन बेस्ट है। खैर अब तो देखना है कि भाई एक साथ एक फिल्म में जहां अक्षय कुमार और अजय देवगन बखूबी स्टार देते नजर आ रहे हैं, और वहीं कुछ समय पहले ही आपस में इन लोगों की प्रतिद्वंदिता भी देखने को मिल रही है, तो अब देखना है कि इस प्रतिद्वंदिता में कौन आगे निकलता है। अब भाई 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 आगे कौन निकलेगा, आप लोग कमेंट करके बताइए ना दोस्तों। जब तक आप कमेंट करके मुझे नहीं बताएंगे तब तक मुझे क्या पता कि कौन फिल्म में आगे जाएगा।
अब बड़े मियाँ आगे रहेगी या मैदा। भाई फिल्म दोनों कॉन्सेप्टेड बहुत ही, दोनों मतलब दोनों फिल्मों में VFX का भरपूर प्रयोग किया गया है। यही है कि किसी में ग्राउंड का प्रयोग दिखाया गया है तो किसी में एक्शन के लिए। तो भाई हमारी तरफ से फिल्म मैदान को बेस्ट आप लोग, भाई ये फिल्म सुपर डुपर हिट जाए। बाकी आप लोग ऐसे ही देखते रहे न्यूज़ तक सिनेमा, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।